हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है डिलीशियस फूड विद दीप्ति में और मैं हूँ दीप्ति। तो आज हम बनाएंगे दही पापड़ी चाट। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और साथ ही बहुत ही डिलीशियस भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पापड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले पापड़ी के लिए आटा लगाएंगे। इसके लिए मैंने एक बोल में लिया है 1.5 कप मैदा और 1/2 कप सूजी। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मतलब महीन या मोटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। साथ ही जाएगा 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून नमक। अब हम इसमें लगाएंगे मोयन। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप घी लिया है मेल्टेड। आप चाहें तो देसी घी, डालडा घी या फिर रिफाइंड ऑयल, कुछ भी ले सकते हैं। अब घी को आटे में बहुत ही अच्छे से रगड़ रगड़ कर हमको इसको मिला देना है। इसको देख चेक करने के लिए कि मोयन पूरा ठीक से लग गया है कि नहीं, आप इसकी मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो ये बंध जाएगी, और जब इसे फोड़ेंगे तो ये बहुत ही ईजिली फूट जाएगा। ये एकदम तैयार है। अब हम इसका पानी से आटा लगाएंगे, पर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे कि जो हमारी मैदा है वो एकदम गीली ना हो जाए। पापड़ी के लिए डो चपाती के आटे से थोड़ा सा टाइट लगाएंगे और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। इसी बीच सूजी इसमें फूल कर मुलायम हो जाएगी और आटा एकदम तैयार हो जाएगा। इसे गूंधने के लिए लगभग 1/2 कप पानी लगा। डो को रेस्ट करते हुए 1/2 घंटा हो चुका है। अब हम इसे एक बार हाथों से फिर से मसल लेंगे जिससे ये और मुलायम हो जाएगा और पापड़ी बहुत ही स्मूथ और सुंदर बनेंगी। अब डो को हम 4 हिस्सों में बांट लेंगे। एक हिस्से को हम बेलेंगे, बाकी के 3 हिस्सों को हम ढककर रख देंगे जिससे कि आटा सूखे ना। लोई को लेकर उसको स्मूथ करके हम इसको बेलेंगे। इसको हम पतला ही बेलेंगे। इसकी थिकनेस रोटी से पतली होनी चाहिए, मतलब इसकी जो मोटाई है वो रोटी से पतला होना चाहिए जिससे कि पापड़ी बहुत अच्छी क्रिस्प बनेंगी। ये अच्छे से बेल गया है। अब हम इसे पापड़ी का शेप देंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे कुकी कटर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो छोटी कटोरी, छोटा गिलास या किसी बॉटल का ढक्कन ले लें, बहुत ही ईजिली उससे भी कट जाता है ये। इसी तरह हम सारे इसके शेप काट लेंगे। अब पापड़ी बीच में से पूड़ी जैसी फूल ना जाए, इसके लिए हम इसमें छेद कर देंगे। इसके लिए मैं कांटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो टूथपिक भी ले सकते हैं। इस तरह से इसमें हम छेद कर देंगे जिससे ये फूलेगी नहीं और चपटी चपटी बढ़िया क्रिस्पी पापड़ी बनके तैयार हो जाएंगी। इस बचे हुए आटे को हम वापस से दूसरी लोई में मिला देंगे और दोबारा बेल लेंगे। इसी तरह हम सारी पापड़ियों को बना लेंगे। अब चलिए हम इनको फ्राई करते हैं। पापड़ी फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो रहेगा। इसको इसी टेम्परेचर पे पूरा सेकिए जिससे वह ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तैयार होंगी। इनको बीच बीच में चलाते हुए, अलट पलट करते हुए गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। इन पर बहुत ही अच्छा सुनहरा रंग आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सुंदर पापड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। पर अभी हम इन्हें स्टोर नहीं करेंगे, इनको पहले पूरी तरह ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद ही हम इन्हें स्टोर करेंगे वरना ये मुलायम हो जाएंगी। चलिए हम इसको सर्व करते हैं। इसके लिए एक प्लेट में हम पहले पापड़ी को अरेंज कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ उबला आलू। आप चाहे तो इसमें दही वड़े वाले वड़े भी डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे फेटा हुआ दही, इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी, हरे धनिए की खट्टी चटनी, कटा हुआ प्याज। स्वाद को और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च, साथ ही डालेंगे थोड़े से सेव और इसको गार्निश करेंगे अनार के दानों के साथ, और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। लीजिए, तैयार है आपकी खट्टी मीठी दही पापड़ी चाट।
आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।